दोस्तों जान लेते हैं इस वक्त की निकल के आ रही उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी महत्वपूर्ण सिलेक्टेड और आपके काम की खबरों को। पर उससे पहले दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें। उत्तर प्रदेश में एनआईए अफसर तंजील अहमद व उनकी पत्नी की हत्या आरोपी मुनीर की मौत सोनभद्र जेल में था बंद है। जी बता दें उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के सिहारा निवासी एनआईए अफसर तंजील अहमद व उनकी पत्नी फरजाना हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुनीर की सोनभद्र जेल में बीमारी के चलते मौत हो गई है। बता दें कि मुनीर अहमद ने 2 अप्रैल 2016 की रात्रि सिहारा शादी समारोह से लौटते समय एनआईए अफसर तंजील अहमद व उनकी पत्नी फरजाना की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश में आवास विकास के फ्लैट पर आज से 10% की छूट, बड़े फ्लैट के दाम भी होंगे कम। जी बता दें कि आवास विकास परिषद ने आज फ्लैट पर नई छूट को प्रभावी कर दिया है। इसके तहत सिंगल फ्लैट खरीदार को 5 की जगह 10% की छूट मिलेगी। कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश का भाजपा सरकार पर निशाना, कहा यूपी में महिलाओं पर हो रहा अपराध। जी हाँ बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मैनपुरी पहुँचे। वह शहर स्थित श्री एकर्षानंद आश्रम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। उन्होंने दैवी संपद मंडल की परमाते स्वामी शारदानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा करने में उत्तर प्रदेश सरकार नाकाम रही है। इसी के चलते कभी बेटी सूटकेस में मिल रही है तो कभी आजमगढ़ जैसे में अजघन्य अपराध हो रहे हैं। आज प्रदेश में महिलाओं पर सबसे अधिक अपराध हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पटाखा फैक्ट्री हादसा, 12 मृतकों को 5-5 लाख का मुआवजा। 3 साल पहले घटी थी दिल दहला देने वाली घटना। जी बताने को उत्तर प्रदेश के भदोही के रोहटा में 2019 में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में जान गंवाने वालों के परिजन को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से मुआवजा मिलेगा। बताने की इसमें 12 लोगों की मौत हुई थी। उत्तर प्रदेश में हाजी याकूब की मुश्किलें बढ़ी, कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने पर 51 करोड़ वाले बयान का 15 साल बाद होगा हिसाब। जी हम बता दें कि डेनमार्क के कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने पर 51 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान कर बसपा नेता और पूर्व हाजी याकूब कुरैशी ने 15 साल पहले यूपी की सियासत में खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन अब यही बयान उनकी मुश्किलें बढ़ाने जा रहा है। बताने की पुलिस ने मामले में चार्जशीट तैयार कर ली है। बताने की शासन से चार्जशीट लगाने के लिए अनुमति ली जाएगी और केस डायरी दोबारा शासन को भेजी जाएगी। 24 घंटे में हुए इन दो बड़े हादसों से उत्तर प्रदेश वाले ले सबक, कार में आग लग जाए तो अपनाएं कई उपाय। जी हम बताने को उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में यूपी और बिहार में कार में आग लगने के 2 बड़े हादसे हो गए हैं। इन हादसों में कुल 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं यमुना एक्सप्रेस वे पर ट्रॉला से टकराकर एक कार धू धू कर जल उठी। इस हादसे में 2 लोग जिंदा जलकर मर गए। वहीं बिहार के सिवान जिले में स्कॉर्पियो कार बिजली के पोल से टकराने के बाद उसमें आग लग गई। इससे गाड़ी में सवार 2 लोग जिंदा जल गई। इस हादसे में कुल 3 लोगों की मौत हो गई है। बताने कि यदि आप अपनी कार में बाहरी दुकानों से कार स्टीरियो सिक्योरिटी सिस्टम, रिवर्स पार्किंग सेंसर या हेडलैम्प आदि फिट करा रहे हों तो प्रशिक्षित मैकेनिक से ही कराएं। उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मामले में सुनवाई आज, गुजरात में सीएम योगी की जनसभाएं भी। जी बताने कि सीएम योगी के गुजरात चुनाव प्रचार का दूसरा दिन है। वही बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी छोटा उदयपुर, खेड़ा, पोरबंदर जिलों के चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस बीच बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में साइंटिफिक सर्वे की मांग खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने वाराणसी न्यायालय के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। आसान किस्तों में भरे बिजली का बकाया बिल, कैसे करें आवेदन, किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत, जाने सब कुछ। जी बताने को उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए कई योजनाओं का संचालन करती है। ऐसे ही एक आसान किस्त योजना है जिसके तहत गरीब तबके लोग किस्त के तौर पर अपना बकाया बिजली बिल जमा कर सकती हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों के बकाया ट्यूबवेल बिजली बिल को आसान किस्तों में जमा करना है। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि महीने की कमाई किसी और खर्चे में हो जाता है और बिजली का बिल जमा नहीं हो पाता। आपको बता दें कि आवेदनकर्ता का आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सभी आवश्यक दस्तावेज हैं। दोस्तों अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप नजदीकी जनसेवा केंद्र से जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में कानपुर की नई सड़क हिंसा के आरोपित मुख्तार बाबा पर FIR जाने मामला। ये बता दें कि कानपुर में फर्जी तरीके से शत्रु संपत्ति की खरीद फरोख्त और लोन मामले में नई सड़क हिंसा के आरोपित मुख्तार बाबा समेत 12 के खिलाफ आज रिपोर्ट दर्ज की गई है। इनमें बैंक ऑफ बड़ौदा किदवई नगर के तत्कालीन मैनेजर, मुख्तार की पत्नी, 3 बेटियां, दामाद शाहिद आलम भी मौजूद है। प्रयागराज में भूजल दोहन पर हजारों इकाइयों को नोटिस देने की तैयारी, देना होगा शुल्क। जिया बता दें कि भूगर्भ जल विभाग प्रयागराज हजारों व्यवसायिक और औद्योगिक इकाइयों को भूजल दोहन के खिलाफ नोटिस देने की तैयारी में है। बता दें कि भूगर्भ जल विभाग ने सरकार की अलग अलग एजेंसियों से व्यवसायिक और औद्योगिक इकाइयों का डाटा लिया है। विभाग को अब तक 8,000 इकाइयों का डाटा मिला है, इसमें शिक्षण संस्थान भी शामिल है। विभाग अब यह पता करने में जुटा है कि कहां कहां अधिक पेयजल का अधिक उपयोग हो रहा है। वहीं बता दें कि जहां व्यवसायिक और औद्योगिक उपयोग अधिक मिलेगा, इन्हीं इकाइयों को नोटिस दी जाएगी। वहीं नोटिस में सभी को वाटर फ्लो मीटर लगाने के लिए कहा जाएगा। दिल्ली में हुआ आयुषी का कत्ल, मथुरा में फेंकी लाश, ऐसे खुला सूटकेस में पैक मिली डेड बॉडी करा। जी हम बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर रयाकट के पास सूटकेस में पैक मिली लड़की की लाश की आज शिनाख्त हो गई है। दिल्ली के बदरपुर थाना क्षेत्र के गांव मोटबंद निवासी माँ और उसके भाई ने मथुरा आकर शव की शिनाख्त की है। सूत्रों का कहना है कि मामला ऑनर किलिंग का हो सकता है। पुलिस लड़की के पिता से पूछताछ कर रही है। पुलिस की करीब 15 टीमें शिनाख्त में जुटी थी। शाइन सिटी पर ईडी का शिकंजा, जब्त की 31.24 करोड़ की संपत्ति। यह बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय के लखनऊ जोन कार्यालय ने मेमर्स शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों की 31.24 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां जब्त कर लिया है। ईडी की अब की जांच में 80.78 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आ चुका है। आज बच्चों को लैपटॉप देगी योगी सरकार, इस योजना के तहत मिलेगा लाभ। जी बता दें कि उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य जिला पंचायती राज मुख्यालय अलीगंज लखनऊ के प्रेक्षागृह में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत COVID-19 के दौरान अपने माता पिता व अभिभावकों को खोने वाले कक्षा 9 या उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त करने 18 वर्ष तक की आयु के 200 बच्चों को लैपटॉप वितरित करेंगी। भारत में IS के इशारे पर आतंकी हमला, आतंकी संगठन से प्रभावित था मंगलुरु ब्लास्ट का आरोपी। जिया बताने के कर्नाटक में मंगलुरु में हुए धमाके की जांच तेज हो गई है। खबर है कि अब पुलिस बीते अक्टूबर में हुए कोयंबटूर ब्लास्ट और ताजा घटना के बीच तार जोड़ रही है। इसके अलावा पुलिस को मामले में IS एंगल भी मिला है। बताने के पुलिस ने कर्नाटक में 5 जगहों पर तलाशी की है। बताने के जांच में आरोपी शारिक के घर से विस्फोट तैयार करने वाली सामग्री बरामद हुई है। सरकार खर्च करेगा 3,00,000 करोड़, बजट से 50% होगा ज्यादा। जिया बता दी कि मोदी सरकार मुफ्त राशन पर 3,00,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह बजट अनुमान 2,00,000 करोड़ रुपए से लगभग 50% अधिक है। वही बता दें कि दिसंबर तक फ्री खाद्यान्न योजना और PM गरीब कल्याण योजना के विस्तार के चलते ऐसा मुमकिन है। अनुमान यह भी है कि देश की 80 करोड़ की आबादी को मिलने वाले फ्री खाद्यान्न योजना के तहत यह दूसरी सबसे बड़ी सब्सिडी हो सकती है। इससे पहले बता दें कि कोरोना काल में सरकार ने इस फंड के लिए 3.4 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। मंडी रेट, खाद्य तेलों के भाव में भारी गिरावट, सरसों तेल 550 रुपए सस्ता तो 900 रुपए टूटा सोयाबीन। जी हाँ, बताने कि दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बीते सप्ताह आयातित तेलों के साथ साथ सभी देसी तेल तिलहनों पर दबाव कायम हो गया है, जिससे सरसों, मूंगफली, सोयाबीन तेल तिलहन, बिनौला, कच्चा पाम तेल, CPO, पामोलिन तेल कीमतों में गिरावट आ गई है। बताने कि बीते सप्ताह सरसों दाने का भाव 175 रुपए घटकर 7,300 से 7,350 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। वहीं अब सरसों दादरी तेल समीक्षाधीन सप्ताहांत में 550 रुपए घटकर 14,850 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ है। SBI के ग्राहकों को WhatsApp के जरिए मिल रही स्पेशल सुविधा, मिनटों में होगा जरूरी काम। जिया बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। ग्राहक अब घर बैठे कई काम WhatsApp के जरिए आसानी से कर पाएंगे। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ट्वीट करते हुए यह लिखा गया है कि ग्राहक अब घर बैठे ही अपना पेंशन स्लिप WhatsApp के जरिए प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। खबर को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबाएं। धन्यवाद।